माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का बहुत सारा वेलकम गाइस अगेन इन दिस रीडिंग। और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत बहुत समय बाद, आई थिंक मुझे लग रहा है काफ़ी समय हो चुका है। अगर आप लोग मुझे स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हैं तो आप लोगों को पता होगा कि मैं स्टार्टिंग में कार्टोमैन से रीडिंग्स किया करती थी आप लोगों के लिए, और स्पेशली मैंने इन कार्ड्स के ऊपर इनके मीनिंग्स लिखे थे। आप लोगों को याद हो, अगर आप लोगों को याद हो तो, अगर आप लोग मुझे स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हैं तो, जब मैं किया करती थी रीडिंग तो आप लोग कहते थे मैम हमें कैसे पता होगा इसका मीनिंग क्या है। तो मैं कहती थी अरे भैया आपको पता होने से क्या मतलब है, मुझे तो पता है ना। देन आप लोग कहते थे नहीं हमें पता होना जरूरी है, तो चलिए फिर मैंने नाम डाल दिए थे। एनीवेज चलिए शुरू करते हैं आज के रीडिंग और देखने की कोशिश करते हैं कि कार्टोमेंसी से आपका भविष्य क्या है। ठीक है, आपके आने वाले फ्यूचर में क्या होने वाला है। ठीक है, क्लब, स्पेड, डायमंड एंड हार्ट, फोर सेक्शंस होते हैं हमारे पास। और आज हम जानने की कोशिश करेंगे कैसे क्या चल रहा है आपकी जिंदगी में और आगे क्या होने वाला है। एंजल गाइडेंस भी लेंगे बट कार्टोमेंसी से जाने आज आप अपना भविष्य। ठीक है, चलिए देखते हैं। नेक्स्ट 7 डेज प्रिडिक्शन कर रही हूं मैं ये। ठीक है, 5 ऑफ स्पेड, 5 ऑफ हार्ट, जैक ऑफ स्पेड सॉरी, एंड 5 ऑफ हार्ट, 10 ऑफ क्लब। ओके, अभी आप अपनी जिंदगी में किसी पर्सन का वेट कर रहे हैं। ठीक है, हाल फिलहाल मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी पर्सन का वेट कर रहे हैं जो कि एक बहुत ही इमेच्योर पर्सन है। इमेच्योर काइंड ऑफ एनर्जीज मुझे नजर आ रही है। हो सकता है आप दोनों के बीच में एक तरीके का गैप हो, ये गैप एज का भी हो सकता है, कास्ट रिलीजन का भी हो सकता है, गैप इन सेंस ऑफ एनी काइंड ऑफ डिफरेंसेस, या फिर किसी तरीके का कोई, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ कास्ट रिलीजन का कोई डिफरेंस हो सकता है, पैसे वगैरह का कोई डिफरेंस हो सकता है विद दिस 10 ऑफ क्लब्स कार्ड, एंड किसी तरीके का एज गैप भी हो सकता है आप लोगों में, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपके कपल में जो लड़की की एज है वो ज्यादा है, लड़के की कम है, इस वजह से कोई इश्यू है। ठीक है, या फिर लड़के की एज जो है वो बहुत ही ज्यादा है, एज का डिफरेंस एंड इमेच्योरिटी मैं बहुत ज्यादा देख रही हूँ यहाँ पे। ठीक है, देन अगेन वी हैव 4 ऑफ क्लब। बात कुछ ऐसी है कि अभी आप अपने पर्सन का वेट कर रहे हैं बहुत ही ज्यादा डेस्परेट होकर के, और ये पर्सन बिल्कुल भी भाव नहीं दे रहा है। दूसरी चीज मैं यहाँ पे जो देख रही हूँ वो है कि ये पर्सन घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, और आप कहीं ना कहीं इनका एकदम इमेच्योर तरीके से वेट कर रहे हैं। आपको कई बार ऐसा भी फील होता है कि इस बंदे ने तो मुझसे ना झूठ बोला है, इस बंदे ने ना मेरे साथ नेगेटिव खेल खेला है, इसने मेरे साथ गलत किया है, आगे चल करके भी ये मेरे साथ गलत करेगा। ऐसा भी हो सकता है कि इस पार्टनर ने आपको मिलते वक्त तो कुछ और बोला है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है आप लोगों के साथ कि जब आप लोग मिले हैं, जब आप लोग बैठे हैं, तब तो इस बंदे ने आपसे कुछ और कहा है, और फिर जैसे ही आप लोग अपने अपने घर गए हैं तो कुछ और बोला है। मतलब एक तरीके का ना मुझे यहाँ पे ऐसा नजर आ रहा है जैसे किसी तरीके की कोई कवरिंग हो, कवरिंग इन सेंस किसी तरीके की कुछ छुपाया गया हो आपसे, किसी तरीके का कुछ छुपा रहा हो बंदा, जैसे कि कुछ नेगेटिव सा चल रहा हो। ओके, और जिसके बारे में आपको कोई नॉलेज नहीं दी जा रही है और आप बस बैठे बैठे वेट कर रहे हैं दैट वो दिन कब आएगा जब ये पर्सन कुछ बताएगा अपने आप से। ओके, देन वी हैव 7 ऑफ स्पेड अगेन, जैक ऑफ स्पेड, 7 ऑफ स्पेड, 2 कार्ड्स और निकालेंगे, ओहो किंग ऑफ स्पेड, एंड वी हैव जैक ऑफ लव ऑल्सो।
ओके हाँ भाई बिल्कुल साफ सी बात है। आप लोग वेट कर रहे हैं अपने पार्टनर का अनएक्सपेक्टेडली, आप अपने करियर पे भी फोकस नहीं कर पा रहे हैं, आप बहुत ज्यादा नेगेटिव हो चुके हैं, आपको कहीं ना कहीं से अनएक्सपेक्टेड बर्डन फील होता रहता है, आपको ऐसी फीलिंग आती रहती है कि जैसे कि मेरी जिंदगी में ही नेगेटिविटी क्यों फैल गई है, आगे चल करके मेरी जिंदगी सही होगी भी या नहीं होगी। और दूसरी चीज मैं यहाँ पे एक और देख रही हूँ कि आपके जो पर्सन है आपसे या तो झूठ वगैरह बोल रहे हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं आपको जब पता लगता है तो आप बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हो। आप एक बहुत ही सुलझे हुए और अच्छे इंसान हो जिनका बहुत ही ज्यादा पाक साफ दिल है, और आप किसी को कभी भी ना हर्टेड नहीं फील करवा सकते हो, आप कभी भी किसी को हर्टेड नहीं देख सकते हो। और जब आपके साथ ऐसा सब कुछ हो रहा है ना तो आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, बहुत गुस्सा आ रहा है, और आप अपने पार्टनर का ना एक इमेच्योर बिहेवियर देख रहे हो जो कि बहुत ही ज्यादा गलत है। यू वॉन्ट सम सॉर्ट ऑफ चेंजेस, पॉजिटिविटी, अनएक्सपेक्टेड लव, अनएक्सपेक्टेड करियर अपॉर्चुनिटीज, आपका करियर भी सही नहीं चल रहा है अभी हाल फिलहाल, और आप एक अथॉरिटेटिव पोजिशन चाहते हैं। हो सकता है आप लोग अपने करियर को थोड़ा सा और बढ़ाने के लिए ना किसी तरीके का कोई एग्जाम वगैरह या कोई कॉम्पिटिटिव कोई एग्जाम वगैरह देने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, तो कुछ ना कुछ आप अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन कुछ अच्छा हो नहीं पा रहा है, और आप बहुत ज्यादा परेशान है इस चीज को लेकर के। यू आर फीलिंग वेरी मच काइंड ऑफ बर्डन, नेगेटिविटी एंड फ्रस्ट्रेशन ऑल्सो। आपको ऐसा लग रहा है जैसे कि हाय राम मैं मर क्यों ना जाऊं। हाँ बिल्कुल, सुसाइडल टेंडेंसीज भी मुझे यहाँ पे नजर आ रही है, और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी नजर आ रहा है जैसे आपको लग रहा हो कि ये तो इंसान ही घटिया रहा है मेरी जिंदगी में, इसने हमेशा मेरे को दुख ही दिया है, ठीक है, इस तरीके की भी वाइब्स मेरे को आ रही है। ये तो चल रहा है, चलो अब देखते हैं कि आने क्या वाला है, ठीक है, होने क्या वाला है, फ्यूचर में क्या होने वाला है, क्या आ रहा है आप लोगों के लिए जिंदगी में, कुछ अच्छा, कुछ पॉजिटिव या कुछ नेगेटिव, जो भी निकलेगा फॉर नेक्स्ट 7 डेज हम उस चीज को अच्छे से फॉलो करेंगे। मैं आप लोगों को रेमेडीज भी बताऊंगी, डोंट वरी, आज मैं आपको बहुत अच्छे से गाइड करने वाली हूँ। अगर आप लोगों की जिंदगी में ये सब चल रहा है तो आपको रीडिंग को और आगे देखना चाहिए। वी हैव टू ऑफ क्लब, टू ऑफ क्लब का कार्ड आ गया भाई। देन वी हैव 10 ऑफ लव, फिर क्या हमारे पास, वी हैव जैक ऑफ डायमंड, एंड फिर है हमारे पास 9 ऑफ क्लब, 8 ऑफ डायमंड, एस ऑफ डायमंड, फाइव ऑफ लव एंड क्वीन ऑफ क्लब। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव 8 ऑफ क्लब्स, ठीक है, ओके। तो आगे आने वाले समय में मैं कुछ ऐसा देख रही हूँ, आपके सामने ना फेस रिवील होने वाला है, फेस रिवील इन सेंस आपके सामने ना असलियत आने वाली है कि ये इंसान कैसा रहा है, जो भी आप पर्सन का वेट कर रहे हो, ये इंसान कैसा रहा है, मैंने इसे क्या समझा है और ये कैसा निकला है, ठीक है, आपके सामने ये आने वाला है सच, पहली चीज। दूसरी चीज, आप ऐसा भी हो सकता है कि आप जब इस पर्सन के डबल फेस देखें, लाइक जब आपको ऐसा दिखे कि यार ये बंदे को मैंने क्या समझा था और ये क्या निकला, तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको बहुत डिसअपॉइंटेड महसूस हो, आपको बहुत ही ज्यादा बुरा लगे, आपको ऐसा लगे जैसे कि मैंने अपनी जिंदगी में ना बहुत कीमती समय एक ऐसे इंसान के ऊपर गवा दिया जो कि निहायत ही बेकार था, डिसऑनेस्ट डिसऑनेस्ट पर्सन था, ठीक है, जबकि ऐसे ऐसी बात नहीं है, ठीक है। अगर आप लोग ऐसा सोच रहे हो कि आपके पर्सन बहुत ही ज्यादा खराब हैं, बुरे हैं, क्योंकि वो आपको कुछ बताने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, नेगेटिव है वो, ठीक है, तो ऐसी बात नहीं है, वो आपको दिखाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, वो अपने आप की जिंदगी को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में हमेशा नेगेटिविटी बनी रहेगी, इस रिलेशनशिप का एज सच आगे फर्दर कोई फ्यूचर नहीं होगा, तो कैसे मैं उसे, मतलब ऐसे समझ लो जैसे कि कोई फिल्मी स्टोरी चल रही है, ये बंदा है ना मूव ऑन करना चाह रहा है एक मंथ दो काज, और साथ के साथ ना आपको भी ऐसे फील करवाने की कोशिश कर रहा है कि देख मैं कितना घटिया इंसान हूं,
और मुझसे नफरत कर, जबकि उसको पता है कि आप एक ऐसे इंसान हो जो कभी भी उसके ऊपर शक नहीं कर सकते, आप एक ऐसे इंसान हो जो इतने पॉजिटिव हो, इतने ज्यादा माशाल्लाह कमाल के इंसान हैं आप, कि उनको पता है कि ये ना इतनी जल्दी मेरे पे विश्वास नहीं करने वाली या मेरे पे विश्वास नहीं करने वाला है, एंड यू आर वेटिंग फॉर दिस पर्सन टू गिव यू कमिटमेंट। नेक्स्ट 7 डेज में ये बंदा ना आपको ऐसे शो करने की कोशिश करेगा, लोगों से आपको ऐसे शो करवाने की कोशिश करेगा कि भाई मैं तो बहुत ही ऐसी जिंदगी जी रहा हूँ जहाँ पे बहुत मजा है, इंजॉयमेंट है, मैं तो लड़कियों के साथ या लड़कों के साथ घूम रहा हूँ या घूम रही हूँ, तो वो अपनी जिंदगी को खराब कर रहे हो, तो आप बहुत ज्यादा जेलस्ड हो जाओगे, ब्रेक डाउन हो जाओगे, नेगेटिव हो जाओगे, और आप ऐसा सोचोगे कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है जिंदगी में, जबकि बात ऐसी है कि नेक्स्ट 7 डेज में आप लोगों को इस पर्सन की तरफ से ये सब कुछ देखने को मिलेगा, और फिर भी आप जब इस पर्सन के लिए ही वेट करोगे, इस पर्सन के लिए ही आंखें बिछा के बैठे रहोगे, तो आपकी कहीं ना कहीं एनर्जी उन तक पहुंचने वाली है। सो नेक्स्ट 7 डेज के अंदर अंदर आप लोगों को इस पर्सन के पर्सन की तरफ से कोई कम्युनिकेशन मिल सकता है, पॉजिटिव कोई न्यूज आ सकती है। मे भी ऐसा हो सकता है कि ये बंदा थक हार के ना आपको कमिट ही कर दे कि यार बस बहुत हो गया, मुझसे भी नहीं रहा जा रहा, तुमसे भी नहीं रहा जा रहा, देखो मैं इतने इतने नाटक कर रहा था। और आपको कुछ लोगों को जो जॉब में बहुत ज्यादा परेशान है उन लोगों को कुछ अच्छा अचीव होता हुआ मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है, तो यानी कि बहुत कुछ अच्छा होने को है नेक्स्ट 7 डेज में, जो कि बहुत कमाल का रहेगा। लेकिन आपने ना टेंशन नहीं लेनी है, आपने ये सोचना है कि जो हो रहा है मेरे भले के लिए हो रहा है, आपने अपने दिल की आवाज को सुनना है, ठीक है। सी हमारे पास है किंग ऑफ डायमंड का कार्ड, ये आपको कहा जा रहा है कि आप एकदम स्टबर्न रहें, आप एकदम अपने बारे में सोचें, डोंट थिंक ओवर एंड ओवर नेगेटिव अबाउट द पीपल एंड द सिचुएशन, आप सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचने की कोशिश करें, ठीक है। सो नेक्स्ट 7 डेज बहुत कुछ कमाल दिखाएंगे, बस दिल थाम के बैठे रहें। चलिए चेक करते हैं आपके लिए एडवाइस कार्ड फ्रॉम द मूनोलॉजी डेक, तो ये वाला कार्ड लेंगे। हमारे पास है यू आर गुड इनफ, तो आप परफेक्ट बंदे हैं यार, मैंने ये चीज आपको बोली है, आप परफेक्ट पर्सन हैं, यू आर गुड इनफ, टेंशन लेने वाली कोई बात है नहीं यहाँ पे। फिर है हमारे पास यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल, जैसा कि मैंने बोला ही था, एंड बॉटम ऑफ द डेक एक्सपेक्ट पावरफुल चेंजेस, तो आपकी लाइफ में खूबसूरत बदलाव आने वाले हैं, टेंशन ना लें, अच्छा सोचने की कोशिश करें, खुद के बारे में ज्यादा से ज्यादा अच्छा सोचें, मोर ओवर बहुत जल्दी सब कुछ सही होने वाला है। ओके, सो हैव फेथ इन योरसेल्फ, लव योरसेल्फ, लव यू अ लॉट, बाय बाय।